फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको किस तरीके से हम रजिस्टर कर सकते हैं। बेसिकली स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर जब हम फाइलिंग करते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर के लिए वो बोलता है कि डिजिटल सिग्नेचर आपका अटैच होना चाहिए। तो सबसे पहले जो डिजिटल सिग्नेचर जो है आपका वो अटैच होना, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे लिखना है DSC रजिस्टर ऑन MCA। जैसे ही आप ये लिखेंगे वैसे ही आपके पास ये आ जाएगा एसोसिएट DSC, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रोल आएगा, तो रोल से सेलेक्ट करना है कि कौन सा रोल है आपका। तो बेसिकली अभी अगर आप डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे, आपके जैसे डायरेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर, तो उसका डिन होना चाहिए, बट आपके पास डिन तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, वापस एसोसिएट के अंदर जाना है, एसोसिएट DSC के अंदर आपको डायरेक्टर की जगह ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। उसके बाद आपको सेम वही, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है, यहाँ पर पैन नंबर डालना है। सबसे पहले पैन नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है। तो जो भी फर्स्ट नेम है और जो भी लास्ट नेम है आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है, यहाँ पर आपको फिर फादर्स का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको, यहाँ पर आपको उसके बाद फिर एड्रेस को एंटर करना है, ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करिए। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर आपको अटैच कर देने हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करिए इसको। और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके बाद सबमिट कर देना है यहाँ पर आपको। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी कि DSC एसोसिएटेड सक्सेसफुली, और आपका जो DSC है वो एसोसिएट हो जाएगा। और आप जाकर अगर कोई एरर आ रहा था आपका स्पाइस प्लस फॉर्म को सबमिट करते हुए, या कभी आपको कुछ इशू आ रहा था, तो आप अब जाकर सबमिट करेंगे तो वो इशू नहीं आएगा। जो DSC से रिलेटेड जो भी इशू आ रहे होंगे अगर आप अपलोड करते वक्त, तो वो इशू अब नहीं आएंगे। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।